वाह 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 वाह, एक एक गेंदे का फूल जैसे आसमान के सूर्य जैसा है। सच में बबलू भाई, पता नहीं इतने बड़े फूल कैसे उगते हैं तुम्हारे। अरे बबलू भैया, ये फूल किसानों के गर्व है। चाहे कोई भी फूल उगाए, जैसा उसका रूप होता है वैसे उसकी सुगंध होती है। अरे आओ भाई, आओ आओ, खाना आ गया है। अरे आओ। हाँ हाँ, चलते हैं। अरे खाने का ये समय ही तो हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा समय होता है, क्या बोलते हो? हाँ सही कह रहे हो, और बबलू भैया की कहानियाँ हमारे खाने के साथ चटनी जैसी होती है। चलो 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 सभी चलो। चलो बबलू भाई, खाते खाते शुरू हो जाओ। हाँ, बबलू भैया, क्या बताऊँ, कुछ दिन की बात है, चीन की दीवार से सुन चीन चाइन मुझसे बात करने के लिए कितना रोना धोना मचाया। कौन? सुन चीन चाइन इतना रोने लगा कि मुझे बात करनी ही पड़ी उससे। है तो क्या कह रहा था वो? अरे मत पूछो, उसने कहा दीवार में थोड़ी छेद हो गई है बबलू भैया, तो इसमें मैं क्या करूँ, घर में थोड़ी सीमेंट थी वो लेकर छेद भर दिया। सुन चीन चाइन का चेहरा खुशी से एकदम खिल उठा। इतना हंस रहे हो? अरे मेरे मझले मामा की कहानी सुनोगे तो लोटपोट हो जाओगे। आज रहने दो, आज रहने दो बबलू, आज सबका खाना हो चुका है और बहुत ही काम भी है। ए, चलो चलो तुम लोग अपना काम करो, जाओ। ये सिर्फ हवाई बातें हैं, उसे लगता है हमें कुछ समझ में नहीं आता। अरे हम सभी सब समझते हैं, पर सुनने में अच्छा लगता है। हाँ ये तो सही कह रहे हो। सुनो, ये माला कितने रुपए दर्जन है? आपको कितना चाहिए कहिए? 10-12 दर्जन तो लग ही जाएंगे। 10 दर्जन तो 17 रुपया दर्जन। अरे वाह, उस दुकान में कितने बढ़िया वाले फूल हैं। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? ओ माशाए, कहाँ चले आप? अरे ले जाइए कुछ, मैं कम कर दूंगा। देखा देखा राजू, ये फिर से ग्राहक चला गया। जब तक बबलू के फूल खत्म नहीं हो जाते तब तक मक्खियाँ मारो यहाँ बैठ कर। अच्छा बबलू भैया भी तो वही खाद देते हैं जो हम देते हैं, पर बबलू भैया के फूल इतने अच्छे कैसे हो जाते हैं? वो जादू जानता है, जादू। ओ बबलू भैया, खा क्यों नहीं रहे हो? लगता है कल ससुराल में बहुत खा लिया। अरे मत पूछ, ससुराल में वेल मछली खाकर पेट बिल्कुल भरा हुआ है। वेल? हाँ, तुम लोगों को तो पता ही है मेरा मछली के बिना काम नहीं चलता, इसलिए मैं अचानक ससुराल जा पहुँचा। सास अकेले क्या करती? उसके बाद बाजार का थैला उठाकर मैं सीधे बाजार चला गया, और फिर बाजार जाकर देखा छोटी मछली, वो भी 100 रुपए किलो, बैग तेरे के। उसके बाद एक सिप लेकर मैं गंगा नदी गया। बस सिप में आकर एक बड़ी सी ब्लू वेल फंस गई, बहुत बड़ी ब्लू वेल थी। उसे फ्राई किया, ग्रेवी बनाया और फिर खा गया, इसलिए आज थोड़ा पेट गड़बड़ हो रहा है। अच्छा तो अब चलो सब। अरे ये तो बर्फ वाली बारिश हो रही है, इस बारिश में फूल खराब हो सकते हैं। अरे पहले खुद चलो 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 चलो। कल की बर्फ वाली बारिश के कारण सारे फूल के पौधे खराब हो गए। हाय हाय हाय, मुझे फूलों का जो एडवांस मिला था वो सब गया, सब चला गया। कितने फूल थे पौधों पर, सब बर्बाद हो गए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो 2 दिन के अंदर सूरज की तरह फूल खिला दोगे, परेशानी तो हमें होगी ना। फिर से नई खेती करनी पड़ेगी। वही तो, कितना वक्त लगेगा वो क्या पता, पूरे खेत खाली करके उसकी जमीन तैयार करने में भी वक्त लगेगा। कर भी क्या सकते हैं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ चलो सभी काम पर जाओ, हमारे गांव का फूल बहुत ही प्रसिद्ध है, इज्जत तो रखनी पड़ेगी ना। आह आह, काश अगर मेरे मछली मामा के वैज्ञानिक से आकर देख लेते तो। बबलू, इस दुख की घड़ी में तुम्हारे मछली मामा की कहानी सुनने का वक्त नहीं है हमारे पास, जाओ 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 काम करो अपना।
सुनिए, मैं खाना लाई हूँ, आ जाइए ना खाने। अभी खाना खाने का वक्त नहीं है, रात को घर आकर खाऊंगा। अरे चलो ना, आज मैं तुम्हें मजले मामा की कहानी सुनाऊंगा। हाँ चलो चलो। नहीं बबलू भैया, आज कहानी सुनने का वक्त नहीं है, अगर फूल नहीं खिल पाए तो भूखा मरना पड़ेगा। रहने दो आप। कलियां तो आई हैं, पर पहले की तरह सुंदर नहीं है। अरे खिला है, पर फूल इतने छोटे छोटे क्यों हैं? खाद पानी तो सब मैंने पहले की तरह ही दी थी, पर क्या हुआ? हाँ राजू, पौधों में कलियां आ गई है। आ रही है पर झड़ भी जा रही है, एक फूल भी नहीं खिल रहा है। मेरे फूल खिले हैं। वो तो खिलेंगे ही, किस्मत तो हमारी खराब है ना। अरे नहीं नहीं, पर ये पहले की तरह नहीं है, बहुत ही छोटे हैं, अधमरे से। क्या तुम्हारी हालत भी हमारी तरह हो गई है? तो क्या हमारी जमीन की मिट्टी खराब हो गई है? अरे सुनिए, मुन्ना को तो खाना खाने दीजिए ना। हाँ हाँ खा ले। ओ बबलू भैया, अपनी कहानी सुनाइए जरा। पर किससे कहूँ बहू, सभी तो व्यस्त है ना। अब देखो ना, कल शाम को मुझे भुने पापड़ खाने का मन हुआ। तेरी काकी ने कहा खाना बन चुका है, पर मैं भी कम नहीं हूँ, मैं तो पापड़ खा कर ही रहूँगा। तो क्या भाभी ने फिर से चूल्हा जलाकर पापड़ भुना? हाँ अरे नहीं नहीं, वो तो तालाब के घाट पर चली गई। जब सूर्य तेज हो रहा था तब मैंने सूर्य से कहा जरा मेरे करीब तो आओ। हाँ और क्या, उसके बाद सूर्य की आग में पापड़ सेक कर उसे फिर से वापस भेज दिया। ओ तो लगता है आप वही पापड़ खा रहे हैं। हाँ बहू, अब मेरा तो आसमान से कनेक्शन है ना। हाँ, अब उस रात की बात ही ले लो। अरे वो मंगल ग्रह है ना, वो जमीन पर गिरने वाला था, पर मैं था, मैंने तुरंत लपक लिया। ओहो कितना रो रहा था वो। हो उसने कहा चिंसुक टुकराई ब्लू चिक टोला नुलु धुलु छुछु। दरअसल वो सोते सोते नींद में गिर पड़ा था ना, इसलिए बड़बड़ा रहा था। वो कहना चाहता था कि अच्छा हुआ जो तुम थे। ओ बबलू काका, आपकी कहानी सुनकर तो फूल खिल गए। क्या? हाँ काका, वो तो देखिए, वो देखिए। अरे वाह, ये तो पहले की तरह बड़े बड़े सुंदर फूल हैं। है इधर क्या, ये पौधे कहानी सुनते हैं और वो कहानी सुनकर खिल जाते हैं। बबलू काका, आप हमारी जमीन पर चलिए, पिताजी की जमीन पर भी एक फूल खिला दीजिए। हैं क्या कहा, तो चल देखते हैं ये सच है या नहीं। चल चल। कहिए कहिए काका, कहानी तो कहिए। ये क्या बचपना है मुन्ना। कहिए ना काका, कहानी कहिए। मेरे मझले मामा ने एक बार नहाते नहाते कुएं का सारा पानी ही खत्म कर दिया था। तब वैज्ञानिक आकर कितना रोने गिड़गिड़ाएं लगे। वो कहने लगे मझले मामा, आपके नहाने की वजह से पृथ्वी का सारा पानी खत्म हो गया है, कृपया आप नहाना बंद कर दीजिए। हाँ तब से मामा एक बाल्टी पानी लेकर बाथरूम में नहाते हैं। हाँ पिताजी ये देखिए। इसका मतलब ये सच है, सच में हवाई बातें सुनकर खेती होती है। अब जरा हमारी जमीन पर चलिए, हमारी जमीन पर। हाँ जरूर चलूंगा, जरूर एक एक करके सबकी जमीन पर चलूंगा मैं, जरूर चलूंगा। चलो 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 चलो। हाँ तो सुनो,
तो एक बार खेत में काम करते हुए मैंने कुदाल से इतना खोद डाला कि बस उसी जगह पानी जमा होकर प्रशांत महासागर बन गया। हाँ।